नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या RAS एकेडमी में। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट ग्रेड में टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपना 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, इससे पहले अपने 6 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उनको किसी ने नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ फोल्डर बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर के नाम से, तो आप दोस्तों वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, पिछले वाले पेपरों में काफ़ी आपको गलती मिली होगी, लेकिन दोस्तों ये पेपर है, ये दोस्तों बहुत ही शानदार पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या RAS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें देखो, निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र में किया है? निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र में किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मोंटेस्क्यू ने किया है दोस्तों, ये नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नंबर दो नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? तो दोस्तों किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ग्रीन ने कहा है दोस्तों, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर तीन नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीलोक ने कहा है दोस्तों, ये नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चार नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, राजनीति सिद्धांत में ग्रीन का योगदान क्या था? राजनीति सिद्धांत में ग्रीन का योगदान क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करना, नंबर बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर पाँच प्रश्न, तो इसमें देखो, मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो दोस्तों किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है J.S. मिल ने किया है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सिक्स प्रश्न है, तो इसमें देखो, होब्स प्रथम आधुनिक विचारक हैं जिसने राज्य को विविध हितों समन्वयकर्ता माना, इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है, ये किसका है? तो ये कथन है दोस्तों वेपर के हैं, ये कथन वेपर के हैं। नंबर सात नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, निम्नलिखित गुणों से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट गुण है? अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट गुण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साहस, क्या हो जाएगा? साहस। नंबर आठ नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, इंडोनेशिया, सारावाक तथा उत्तरी ब्रुनई किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? इंडोनेशिया, सारावाक तथा उत्तरी ब्रुनई किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों तेल के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं, तेल के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर नाइन नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जो आसियान का सदस्य है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जो आसियान का सदस्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना, नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 नंबर, तो इसमें देखो, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत या परिभाषित किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टी वी स्मिथ ने, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है मार्गेंथो, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13 नंबर, तो इसमें देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का अपने को इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ तो है लेखक और दूसरी तरफ है पुस्तक,
एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ है पुस्तक है। तो दोस्तों अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें देखो एफ डब्ल्यू विलोबी। तो दोस्तों एफ डब्ल्यू विलोबी ये कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों ये है। नेक्स्ट देखो इसमें एमपी फोलेट, तो दोस्तों एमपी फोलेट है ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस, इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट है वुंड्रो विल्सन, तो वुंड्रो विल्सन है तो दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और हॉबर्ट साइमन, इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये है दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो रोल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं, रोल्स के अनुसार दोस्तों न्याय के लक्षण हैं वो कौन से हैं? तो दोस्तों उपयुक्त सभी लक्षण हैं। नंबर देखो न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय प्रदानता, सामाजिक न्याय से सरोकर, ये तीनों सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो कानून नियमों का वह समूह है जिसमें राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, उपयुक्त परिभाषा दी गई है। देखो इसमें कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, उपयुक्त परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों सालमंड द्वारा दी गई है, ये नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 16 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है इसमें देखो द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हजबर्ग के द्वारा किया गया था, हजबर्ग के द्वारा, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक भिन्नता का, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 19 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है, तो किस में घनिष्ठ संबंध है मानसिक स्वास्थ्य और किस में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन में, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 21 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सृजनशीलतावाद, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 22 प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो दोस्तों मित्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, दोस्तों ए और बी इसमें दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। नंबर 23 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो फेबियन समाजवाद समर्थक था, तो दोस्तों अविलंबन सामाजिक पुनर्संरचना का नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो फांसीवादी मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है, तो दोस्तों वर्ग युग के विषय में भिन्न मत रखता है फांसीवादी मार्क्सवाद से, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 25 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो समाजवादी राज्य को मानते हैं एक सकारात्मक अच्छा ही मानते हैं, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 26 नंबर प्रश्न है,
तो इसमें देखो समाजवादी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, ताकि समाजवादी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है ताकि शोषण दूर हो, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 27 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य निर्माता है। कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेब्रियन समाजवाद, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 28 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों संसद की जो संयुक्त बैठक है दोनों सदनों की बुलाने का अधिकार है वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में मिलता है राष्ट्रपति को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 108 में, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 249 में, नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 30 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह अनिवार्य तत्व है, कौन सा दबाव समूह अनिवार्य तत्व है, तो दोस्तों समूह हित, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 31 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, राजनीतिक दल के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, तो दोस्तों सहवर्ग हो जाएगा इसमें, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तत्व आवश्यक नहीं है। नंबर 32 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की सही परिभाषा है, तो कौन सी संविधानवाद की सही परिभाषा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 33 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो यह किसने कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, यह किसने कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी टॉकविले ने कहा है दोस्तों, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर 34 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो कठोर संविधान वह है जो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 35 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक थे, तो इस विचार के समर्थक दोस्तों कौन थे, तो जे एस मिल थे इस विचार के समर्थक, जे एस मिल थे। नेक्स्ट नंबर 36 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 के अंदर, नंबर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 37 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थात्मक सरकार का सही अर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थात्मक सरकार का सही अर्थ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जहाँ कार्यपालिका व्यवस्था पालिका के प्रति उत्तरदायी हो, जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 38 नंबर, तो इसमें देखो किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि वह राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता जहाँ राज्य के अधिकारों के सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है, तो दोस्तों ऐसा किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एवी डायसी ने कहा है दोस्तों, नंबर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 39 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो किस विचारक को एक साथ ही प्रथम फासिस्टवादी तथा प्रथम साम्यवादी विचारक कहा जाता है, किस विचारक को एक साथ ही प्रथम फासिस्टवादी तथा प्रथम साम्यवादी विचारक कहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्लेटो, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट
नंबर 40 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो प्लेटो ने एक नगर राज्य की जनसंख्या कितनी स्वीकारी है। प्लेटो ने एक नगर राज्य की जनसंख्या कितनी स्वीकारी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5040 मानी है। नेक्स्ट है नंबर 41 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो निम्न बेमेल को सही स्थान पर रखिए। तो दोस्तों बेमेल को यहाँ पे सही स्थान पर रखना है। तो देखो एक तरफ दिया गया है लेखक और दूसरी तरफ दी गई है पुस्तक, तो दोस्तों अपने को क्या करना है, मिलान करना है। तो देखो सिसरो, तो दोस्तों सिसरो है वो किस पुस्तक के लेखक हैं, तो सिसरो जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन सी है, डी रिपब्लिका, ये है दोस्तों इनकी पुस्तक। और संत अगस्टाइन इनकी पुस्तक है दोस्तों वो है सिटी ऑफ गॉड। प्लेटो की पुस्तक है वो मीनो है, और सर टॉमस मोर की पुस्तक है वो है यूटोपिया। कौन सी, यूटोपिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3241 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो नंबर एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 42 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में यह किसने कहा है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के लिए अपरिहार्य तत्व है। प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में यह किसने कहा है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के लिए अपरिहार्य है तत्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वेबर ने कहा है दोस्तों, नंबर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट नंबर 43 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है, प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है, तो दोस्तों कैटलिन ने कहा है। किसने, कैटलिन ने। नेक्स्ट प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, किसका कथन है। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, किसका कथन है, तो दोस्तों यह कथन है एमर्सन का। किसका कथन है, एमर्सन का। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 45 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो कथन ए और कारण आर दिया गया है। तो इसमें देखो कथन ए, प्लेटो के साम्यवाद केवल संरक्षों पर ही लागू होता है। इसमें कारण में देखो संरक्षों को सुधा तत्व से दूर रहना है, सुधा तत्व से दूर रहना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है, तो इसमें देखो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही स्पष्टीकरण है। नंबर 46 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे, प्लेटो थे दोस्तों, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 47 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वालों के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह विचार किसका है। तो दोस्तों यह विचार है, यह अरस्तु के विचार है, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 48 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो लॉज प्लेटो की राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है, में कुल कितने स्वतक हैं। लॉज प्लेटो की राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है, में कुल कितने स्वतक बुक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 12 है दोस्तों, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट नंबर 49 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन है, ये किसका है, तो ये प्लेटो के कथन है दोस्तों, शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपहार है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 50 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो किस विद्वान ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है, तो किसने कहा है, मैक्सी ने कहा है दोस्तों अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, नंबर ए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 50 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बीमारियों का भौतिक इलाज प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन किसका है, अरस्तु का कथन है दोस्तों, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 52 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो परिवार के साम्यवाद में पले बच्चों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए यह किसने कहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने से चचेरा भाई होना अच्छा है। तो दोस्तों यह किसने कहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने से चचेरा भाई होना अच्छा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है
अरस्तु ने कहा है दोस्तों, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है इसको। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 53 प्रश्न, तो इसमें देखो अरस्तु उस स्थान से शुरू करता है जहां प्लेटो अंत करता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिजविक ने कहा है दोस्तों, यह कथन सिजविक का है। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र का मास्टर साइंस किसने कहा है? राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है दोस्तों, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 55 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो बाइबिल के पर्वत प्रवचन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी पर। नंबर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 56 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों वर्ग संघर्ष नहीं है इस दोस्तों इसमें। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 57 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा वक्तव्य है वो सही नहीं है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा सही नहीं है। मार्क्सवादी वर्ग सामंजस्य पर जोर देता है जबकि गांधीवादी संघर्ष पर। दोस्तों इसमें यह वक्तव्य है सही नहीं है, गलत है। तो इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। नंबर 48 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो गांधी जी की नई शिक्षा प्रणाली जिनको उन्होंने नई तालीम का नाम दिया था किस सिद्धांत पर आधारित थी? गांधी जी की नई शिक्षा प्रणाली जिसको उन्होंने नई तालीम का नाम दिया था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो दोस्तों सत्य और मानव प्रतिष्ठा पर। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नंबर 59 प्रश्न है, तो इसमें देखो गांधी जी को उनकी किस प्रवृत्ति के कारण शक्ति का स्तंभ कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्ता, समाशीलता, सामंजस्य की प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 60 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो महात्मा गांधी का न्यायसिता का सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है? तो दोस्तों ईसोपनिषद पर आधारित है। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 61 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो गांधी जी के किस सिद्धांत की सर्वाधिक आलोचना की जाती है? तो ट्रस्टीशिप की आलोचना की जाती है। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 62 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी का है? तो कौन सा कथन है वो गांधी जी का है? तो इसमें देखो जहाँ वाद है वहाँ विवाद है, जहाँ उद्देश्य की प्राप्ति हेतु साधना भी पवित्र होना चाहिए, सत्य ही ईश्वर है, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 63 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की कल्पित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करती है सबके लिए। तो दोस्तों न्याय, समानता और स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 64 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो महात्मा गांधी की समाजवादी की धारणा अधिकतम निकट है तो किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सीय समाजवाद के। नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 65 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो महात्मा गांधी सिविल डिसओबियंस नामक एक लेख से काफ़ी प्रभावित हुए थे, इस लेख के लेखक थे? तो दोस्तों इस लेख के लेखक कौन थे? हेनरी डेविड थोरो। दोस्तों इन्होंने लिखा था सिविल डिसओबियंस नामक एक लेख। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ था, नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी के लेख से गांधी जी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा संसदीय प्रजातंत्र में संसद किस संदर्भ में प्रयुक्त शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातूनी दुकान,
स्वार्थियों व पाखंडियों से पूर्ण संस्था बांझ महिला उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 67 प्रश्न है, तो इसमें देखो अनटू दिस लास्ट नामक कृति से महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे, इस कृति के लेखक हैं, तो दोस्तों इस कृति के लेखक कौन है, रस्किन। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 68 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो यंग इंडिया व हरिजन किसके प्रमुख समाचार पत्र हैं, तो दोस्तों किसके प्रमुख समाचार पत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के ये समाचार पत्र हैं। नंबर 69 प्रश्न है, तो इसमें देखो मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है, राजनीति धर्म के अंतर्गत है, धर्म से विमुख राजनीति मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन कर देती है, ये मत है, तो दोस्तों ये मत है ये किसके है, तो ये महात्मा गांधी के मत है दोस्तों। नंबर एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 70 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का स्वरूप था, तो दोस्तों असहयोग, भूख हड़ताल, सुविधाओं का बहिष्कार, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधीवाद समाजवाद व आधुनिक समाजवाद के मध्य विभेद का प्रमुख आधार क्या था, तो विभेद का जो प्रमुख आधार है वो दोस्तों क्या था, तो धर्म था दोस्तों। नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 72 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दक्षिण अफ्रीका में किया दोस्तों। नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 73 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीकों में से जिन तकनीक को आध्यात्मिक औषधि की संज्ञा दी वह है, तो दोस्तों वह कौन सी है तकनीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपवास। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 74 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अहिंसा के महत्व के विषय में महात्मा गांधी की दृष्टि से अनुरूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अहिंसा पर सफलता परिस्थितियों व विरोधियों के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 75 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्नलिखित में से जिस कथन में से निष्क्रिय प्रतिरोध की झलक मिलती है वह है, तो दोस्तों वह कौन सी है, तो वह पर पीड़ा की छूट नंबर डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 76 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि का कारण है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि का कारण है, तो दोस्तों क्या कारण है, तो इसमें देखो केंद्र द्वारा राज्यों को बड़ी मात्रा में सशर्त केंद्रीय अनुदान आवंटित किया जाना, जनता में बढ़ती राष्ट्रीय भावना तथा जनता का केंद्र सरकार में बढ़ता विश्वास, संघ राज्य सहकारिता के सिद्धांत का लोकप्रिय होना, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 77 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो केंद्र राज्य विधायी संबंधों को कितनी सूचियों में बांटा गया है, तो कितनी सूचियों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 सूचियों में बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर 78 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो इनमें से कोई सी भी नहीं होगा दोस्तों, इनमें से सभी में किया जाता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में, तीनों में संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किया जाता है इन तीनों से ठीक है, राज्य सूची संघ सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट नंबर 79 प्रश्न है, जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है अर्थात अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, मतलब जो अपशिष्ट विषय हैं उन पर विधि निर्माण का अधिकार है वो किन के पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संघ के पास, किसके पास में, संघ के पास। नेक्स्ट नंबर 80 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो अमेरिका संघ राज्य में कुल कितने संघीय इकाई राज्य हैं, अमेरिका संघ राज्य में कुल कितने संघीय इकाई हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 50, नंबर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 81 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो अमेरिकी
संघीय व्यवस्था की विशेषता है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था की विशेषता है, तो दोस्तों कौन सी है? तो देखो, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित एवं कठोर संविधान, नंबर डी उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 82 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1787 के संघ राज्य के निर्माण का कारण माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1787 में संघ राज्य के निर्माण का कारण माना जाता है, तो दोस्तों क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो, परिसंघ की असफलता से प्राप्त अनुभव, नव स्वतंत्रता प्राप्त 13 राज्यों को संघ प्रणाली से सुरक्षा एवं स्वतंत्रता दोनों की प्राप्ति की आशा, राजनीतिक दल प्रणाली की विकेंद्रीकृत स्वरूप तथा जनमत का एकात्मक राज्य व्यवस्था में अविश्वास। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी मान्य है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 83 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी संविधान एवं शासन व्यवस्था की विशेषता है, अमेरिकी संविधान एवं शासन व्यवस्था की विशेषता है वो दोस्तों कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संघीय व्यवस्था, नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 84 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि के स्पष्ट समर्थन के लिए अमेरिकी राजनेताओं में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह है, संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि से स्पष्ट समर्थन के लिए अमेरिकी राजनेताओं में जो सर्वाधिक प्रसिद्धि है वह है, तो दोस्तों वह क्या है? तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हैमिल्टन है दोस्तों, हैमिल्टन, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 85 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, जिस देश में केंद्र सरकार से अलग प्रत्येक राज्य को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया है वह है, तो दोस्तों वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 86 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ राज्य में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो दोस्तों राज्यों को प्रदान की गई है, किसे? राज्यों को। नेक्स्ट नंबर 87 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, अमेरिकी संघ में शक्ति विभाजन हेतु जो गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है जिसका अर्थ है, तो दोस्तों उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, केंद्र की शक्तियों की गणना की गई है और अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपी गई है, नंबर बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 88 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, नरसिंह राव की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या था? नरसिंह राव की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या था? तो दोस्तों आर्थिक हितों के संरक्षण पर बल, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 89 प्रश्न है, तो इसमें देखो, मुहरी नदी सीमा विवाद किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? मुहरी नदी सीमा विवाद किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है दोस्तों, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, भारत ने बांग्लादेश को नए राज्य के रूप में कब मान्यता दी? तो कब मान्यता दी? 6 दिसंबर 1971 को मान्यता दी है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप कौन सा है? एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है श्रीलंका, जिसका नाम है श्रीलंका। नंबर 92 प्रश्न है, तो इसमें देखो, कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं, यह लोगों और प्रतिष्ठा की समस्या है, किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाप माइकल का है दोस्तों ये कथन, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 93 प्रश्न है, तो इसमें देखो, भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में से कौन सी है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में से इनमें से कौन सी समस्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जूनागढ़ विवाद, हैदराबाद विवाद, शरणार्थियों का प्रश्न, उपयुक्त सभी समस्याएं थी दोस्तों, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 94 प्रश्न है, तो इसमें देखो, पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति आधारित है, पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति आधारित है, तो दोस्तों गुजराल सिद्धांत पर, किस पर आधारित है? गुजराल सिद्धांत पर, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 95, तो इसमें देखो, सर क्रिक समस्या है, सर क्रिक की समस्या है, तो सर क्रिक की जो समस्या है वो दोस्तों
किसकी है, किस किस के मध्य है सरक्रिक की समस्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य सरक्रिक की समस्या है। नेक्स्ट है नंबर 96 प्रश्न है, तो इसमें देखो नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही कब समाप्त हो गई? तो कब समाप्त हो गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 28 मई 2008 को। नंबर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 97 प्रश्न है, भारत और चीन के बीच हॉटलाइन सेवा कब से शुरू की गई? भारत और चीन के बीच हॉटलाइन सेवा कब से शुरू की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 13 फरवरी 2007 से। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 98 प्रश्न है, तो इसमें देखो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका किस संगठन की है? भारत और बांग्लादेश के संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका किस संगठन की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सार्क और बिम्स्टेक की। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नंबर 99 प्रश्न है, तो इसमें देखो इंडियन एयरलाइंस IC 814 के विमान का अपहरण कब किया गया था? तो दोस्तों कब अपहरण किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 24 दिसंबर 1999 को किया गया था दोस्तों ये अपहरण। नेक्स्ट है नंबर 100 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो आज भी भारत और पाकिस्तान दूर के पड़ोसी हैं, यह है किसने कहा? तो दोस्तों यह किसने कहा? ये माइकल ब्रेसर ने कहा है दोस्तों, ये नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष नीति के प्रखर आलोचक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक। ये है दोस्तों डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक हैं गुटनिरपेक्ष नीति के प्रखर आलोचक। नंबर 102 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन की किसी शक्ति से वंचित करने का साधन, यह कथन है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? ये न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर का है दोस्तों, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के हैं ये कथन। नेक्स्ट है नंबर 103 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है? तो दोस्तों क्या है? भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 104 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो उद्देशिका में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस प्रधानमंत्री के काल में जोड़े गए? तो किस प्रधानमंत्री के काल में जोड़े गए थे? दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में जोड़े गए थे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता उद्देशिका में। नंबर 105 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में वैधानिक संप्रभु कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो संविधान है, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण कौन सा है? तो श्रेष्ठ आभूषण दोस्तों कौन सा है? प्रस्तावना, नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 107 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, यह परिभाषा प्रस्तावना के किस लक्षण को प्रकट करती है? तो दोस्तों यह परिभाषा प्रस्तावना के किस लक्षण को प्रकट करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजनीतिक न्यास को, नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 108 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो संपूर्ण संविधान का सार संग्रह एवं दर्शन है जो वह दीपक है जो आने वाले कल को मार्गदर्शित करेगी, ऐसी क्या व्यवस्था है? तो दोस्तों ऐसी क्या व्यवस्था है? तो ऐसी प्रस्तावना है दोस्तों, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 109 प्रश्न है, तो इसमें देखो संविधान की प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन है KM मुंशी के, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 110 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो JR शिवाज के अनुसार प्रस्तावना को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों JR शिवाज के अनुसार प्रस्तावना को 4 भागों में बांटा गया है, नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 111 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो प्रस्तावना संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं को बताती है, किसका मत है? प्रस्तावना संविधान के आदर्शों
वह आकांक्षाओं को बताती है, यह मत किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश सुब्बाराव का, नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 112 प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, किसका कथन है? तो दोस्तों यह किसका कथन है? तो यह पंडित ठाकुरदास भार्गव के कथन है दोस्तों, ये नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 113 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद, उपरोक्त सभी शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का विचार किस देश से ग्रहण किया है? भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का विचार किस देश से ग्रहण किया है? तो दोस्तों अमेरिका से ग्रहण किया है, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं? प्रस्तावना में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं? तो दोस्तों कितने हुए हैं? एक संशोधन। नेक्स्ट है, क्या प्रस्ताव नंबर 116 प्रश्न है, इसमें देखो क्या प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है? प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नहीं कराया जा सकता, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 117 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित किया गया था दोस्तों प्रस्तावना को, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 118 प्रश्न है, इसमें देखो आव्यूह शब्द किस क्षेत्र से लिया गया है? आव्यूह शब्द किस क्षेत्र से लिया गया है? तो दोस्तों सेना से लिया गया है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण पद्धतियों में अनुसरण किया जाता है, शिक्षण पद्धतियों में अनुसरण किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण आयाम का, नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 120 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से कार्य शिक्षण पद्धति का उदाहरण है, निम्न में से कार्य शिक्षण पद्धति का उदाहरण है? तो दोस्तों प्रयोग, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शिक्षण पद्धति का उदाहरण है, तो शिक्षण पद्धति का उदाहरण कौन सा है? तो देखो व्याख्यान पद्धति, कहानी विधि, योजना पद्धति, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी शिक्षण पद्धति के उदाहरण हैं। नंबर 122 प्रश्न है, तो इसमें देखो प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह का उदाहरण विकल्प में से चुनिए, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह का उदाहरण विकल्प में से चुनिए? तो दोस्तों कौन सा है? व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन, अनुवर्ग शिक्षण, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह का उदाहरण का चुनाव करें, प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह का उदाहरण का चुनाव करें? तो दोस्तों प्रश्नोत्तर, समीक्षा, अन्वेक्षण, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 124 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है? तो दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 125 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो किस आयु वर्ग शिक्षण द्वारा क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है? किस आयु वर्ग शिक्षण द्वारा क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 126 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? स्किनर ने किया दोस्तों, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर आव्यूह का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्नोत्तर आव्यूह का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों सुकरात ने किया, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 128 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो कौन सी आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? कौन सी आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रश्नोत्तर आव्यूह, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आव्यूह की खोज किसने की? तो दोस्तों किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किल पैट्रिक ने की है योजना आव्यूह की खोज। नेक्स्ट है,
नंबर 130 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो किलपैट्रिक ने समस्याओं के जो प्रकार बताए हैं उनमें शामिल है, तो दोस्तों उनमें समस्यात्मक, रचनात्मक, कलात्मक, उपयुक्त सभी शामिल है दोस्तों। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक वाद विवाद किया जा सकता है, सामूहिक वाद विवाद किया जा सकता है, तो दोस्तों शिक्षक द्वारा, छात्रों द्वारा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 132 प्रश्न है ऐतिहासिक खोज विधि के प्रवर्तक हैं, ऐतिहासिक खोज विधि के प्रवर्तक हैं तो दोस्तों कौन है, जे एस सूर, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी विधि का दूसरा नाम योजना कार्य भी है, कौन सी विधि का दूसरा नाम योजना कार्य भी है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है स्वतंत्र अध्ययन विधि, नंबर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 134 नंबर प्रश्न है तो इसमें देखो कौन सी शिक्षण आव्यूह है प्रशिक्षण समूह है भी कहा जाता है, कौन सी शिक्षण आव्यूह है प्रशिक्षण समूह है भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संवेदनशील प्रशिक्षण, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूम ने किस शिक्षण आव्यूह का विकास किया, ब्लूम ने किस शिक्षण आव्यूह का विकास किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वामित्व अधिगम आव्यूह का, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 136 नंबर प्रश्न है तो इसमें देखो कमज़ोर छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण आव्यूह अच्छी होती है, कमज़ोर छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण आव्यूह अच्छी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रभुत्ववादी आव्यूह, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोली शिक्षण का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया, टोली शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका में, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 138 नंबर प्रश्न है तो इसमें देखो ब्रिटेन में टोली शिक्षण का विकास किसने किया, ब्रिटेन में टोली शिक्षण का विकास है वो दोस्तों किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जे फ्रीमैन ने किया दोस्तों, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता निम्नांकित में से किसका भाग है, तो निम्नांकित में से किसका भाग है, तो दोस्तों ये निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य, मूल्यांकन कार्य, उपरोक्त सभी का है दोस्तों, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 140 नंबर प्रश्न है तो इसमें देखो किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 141 नंबर प्रश्न है तो इसमें देखो अधिगम व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अधिगम व्यक्तिक भिन्नताएँ प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, तो दोस्तों अतः शिक्षक को विविध अधिगम उपलब्ध कराने चाहिए, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 142 नंबर प्रश्न है तो इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, तो कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति, क्या हो जाएगा राजनीति। नंबर 143 नंबर प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, पर्यावरण एवं वंशागत, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 144 नंबर प्रश्न है तो इसमें देखो मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं, मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं, तो दोस्तों एसवीकरण कहते हैं, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं अभियोग्यता, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 46 नंबर प्रश्न है तो इसमें देखो छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता पर, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 47 नंबर प्रश्न है 147 सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं, तो दोस्तों बाल अपराधियों के लिए, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 148 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा
समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये सत्य कथन नहीं है। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 149 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन से नहीं आते? तो लंबे बालक नहीं आते दोस्तों। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? तो कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? तो दोस्तों मानसिक वृत्ति। नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए अपने मॉडल पेपर नंबर 7 राजनीति विज्ञान का फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।